करते हैं आपका बिला वाला ब्लॉग चैनल के एक नए वीडियो में। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा शीतलपुर, साइकिल से आप देख सकते हैं, और फिर साइकिल को वहाँ पे गोलू भैया के घर पे शीतलपुर में रख देंगे। चुनाव वाला घर बना है उनका, और फिर वहाँ से बाघ एक्सप्रेस है 7 बजे से। तो बाघ एक्सप्रेस से हम मुजफ्फरपुर के लिए निकलेंगे। वैसे टाइम जो था बाघ एक्सप्रेस का वो 6 बजे ही था, लेकिन वो लेट है 1 घंटा। और उसके बाद पवन एक्सप्रेस है, वो टाइमली है एकदम 7 बजे। तो दोनों ट्रेन में से जो पहले दिखवा आ जाएगी उस ट्रेन को पकड़ लेंगे। तो अभी तो पहले हम जाएंगे शीतलपुर में गोलू भैया घर पे रखेंगे, वो क्या बोलते हैं साइकिल को रख देंगे, और उसके बाद वहाँ पे साइकिल को और रख देंगे। और उसके बाद वहाँ पे मतलब साइकिल को गोलू भैया घर के रखने के बाद वहाँ पे टेम्पू ऑटो से मतलब चले जाएँगे दिखवारा स्टेशन, और फिर दिखवारा से मुजफ्फरपुर। और तो चलते हैं, जब वीडियो को कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे गोलू भैया के घर पे पहुँचने के बाद। तो अभी हम यहाँ पे शीतलपुर पहुँच गए हैं गोलू भैया के घर पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इधर साइकिल हम लगा चुके हैं, पीछे थोड़ा सा छोटा सा रूम है वहीं पे साइकिल लगा दिए हैं। और अभी गोलू भैया को भी मतलब जाना है बनारस, तो साथ में दिघवारा चले जाएँगे, हमको नहीं मालूम था कि उनको आज ही जाना है। तो दोस्तों साइकिल में ताला वाला लगा दिए हैं यहाँ पे, अब कल आएंगे हम सुबह में, और गोलू भैया के साथ इनको बनारस जाना है। तो पवन एक्सप्रेस से जाएंगे हम, बाघ एक्सप्रेस से जाने वाले हैं। तो लेट है बाघ एक्सप्रेस, तो वो 7 बजे आएगी, और पवन एक्सप्रेस टाइमली है 7 बजे। तो अभी हम जा रहे हैं टेम्पू पकड़ने, टेम्पू से दिघवारा जाएंगे। तो दिघवारा पहुँच के मतलब स्टेशन पर कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, पीछे ऑटो से उतर चुके हैं, अभी एक गली ले लिए हैं, थोड़ा सा गली से जा रहे हैं अब स्टेशन की तरफ ही रास्ता। और सामने से नहीं गए क्योंकि उधर बहुत सारा गाड़ी उड़ रहता है, ढाला उला भी वहाँ पे गिरा हुआ है, आगे ढाला था, शॉर्टकट है, बहुत जल्दी पहुँचा जाता है उसका, शॉर्टकट है। तो देखिए यहाँ पे मतलब पहुँच तरफ जाना है, ये जाएगा उधर, हम जाएंगे इधर, हम मुजफ्फरपुर की तरफ जाएंगे, और ये मुजफ्फरपुर से आने वाली ट्रेन से जाएंगे, दोनों पवन एक्सप्रेस से ही जाएंगे, सेम ही है। हाँ, दोनों 7 बजे वाले ट्रेन से ही जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे अभी देख सकते हैं दिघवारा स्टेशन पे, दिघवारा स्टेशन पहुँच चुका है, ये जंक्शन है, मतलब काम चलाओ, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेसेस रुकते हैं, सुपरफास्ट तो बहुत कम रुकता है, बट एक्सप्रेस ट्रेन रुकता है काफ़ी। हाँ, ज़्यादातर एक्सप्रेस रुक जाती है। तो दोस्तों अब ट्रेन आ चुकी है, अब जाएंगे मुजफ्फरपुर, और भैया का ट्रेन अभी नहीं आया है, अभी लेट है, वो और ट्रेन है 7:30 में आएगा, ये थोड़ा पहले आ चुकी है। तो जनरल में टिकट तो कटाया नहीं है, जनरल में जाएंगे बैठ के, खड़ा उड़ा होकर बैठ के तो सीट तो मिलेगा नहीं। दोस्तों ट्रेन में हम चढ़ चुके हैं ऊपर, और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, सीट तो मिला नहीं है, और यहाँ पर ट्रेन भी खुल चुकी है। तो वीडियो भी कंटिन्यू करेंगे आगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन खुल चुकी है। तो चलते हैं मुजफ्फरपुर में, वीडियो को कंटिन्यू करेंगे पहुँचने के बाद। दोस्तों अभी हम हाजीपुर पहुँच चुके हैं, और यहाँ का केला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो 30 रुपये दर्जन दिया है, तो हम भी 1 दर्जन ले चुके हैं। और रही बात सीट की, तो सीट अभी तक मिली नहीं है, और भीड़ भी अभी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी देर से ट्रेन भी रुकी हुई है, तो सोचा कि केला लेके खा लिया जाए, कब तक पहुँचेंगे कब तक नहीं, क्योंकि ट्रेन तो लेट है, तो ट्रेन लेट और है, ट्रेन लेट है तो और लेट होगी ही, तब तक केला खाते हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी हम फाइनली मुजफ्फरपुर जंक्शन पे पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, लेकिन ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है, पूरा 1 घंटा 10 मिनट ट्रेन लेट पहुँची है। और यहाँ पे अब यहाँ से कलमबाग चौक जाना है, तो कलमबाग चौक के लिए यहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा, तो चलते हैं कलमबाग चौक। अब ये देखिए दोस्तों पीछे मुजफ्फरपुर जंक्शन है, और जल्दी से उतर के ट्रेन से वहाँ पे दिघवारा में तो वैसे 45 मिनट लेट पहुँची है, लेकिन आते आते और ज़्यादा लेट कर दिया, पूरा 1 घंटा लेट हो चुका है ट्रेन। तो हम चलते हैं कलमबाग चौक पहुँच कर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अभी फाइनली हम यहाँ पे मतलब कलमबाग चौक पे पहुँच चुके हैं, अब जा रहे हैं मतलब रूम पे, जहाँ पे सर हम लोग को हमको बुलाए हैं, मतलब कुछ काम था, जैसे उनका यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में वो मतलब पढ़ाते थे ना, तो उनका
जैसे वो रिटायर हो चुके हैं तो उनको हाजीपुर अपना शिफ्ट करना है सामान उमान, तो वही कुछ काम था तो वही बोले थे यहाँ जाने के लिए। मैं अभी घर पर ही था, खाली था, तो आ गया हूँ और अभी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ऑटो से उतरा हूँ, ज़्यादा था नहीं, थोड़ा टाइम लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।